सो गाइस हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। लॉन्ग टाइम नो सी। एंड ए भाई ये क्या हो रहा है तेरे को? तो आज है संडे और आज बहुत दिनों बाद संडे राइड के लिए निकला हूँ क्योंकि आज बारिश नहीं है। सूखा सूखा क्रॉस फिंगर स्ट्रॉन्ग फिंगर क्रॉस कि बारिश ना हो। और आज जहाँ कहाँ रहे वो व्लॉग में बने रहिए, आपको पता चलेगा। एकदम ब्यूटीफुल जगह है, मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा है। बारिश नहीं है ज़्यादा मतलब है ही नहीं अभी तो फिलहाल, आगे भी ना हो ऐसी उम्मीद है क्योंकि आई डोंट नो माई रेन गियर्स मैंने अभी तक बाय नहीं किए। ये एकदम सडनली प्लान बन गया रातों रात। माय फ्रेंड कॉल मी एट 12 एंड टोल्ड मी टू वी हैव टू गो फॉर राइड। तो एकदम अचानक भयानक वाला प्लान है, तो मुझे कुछ प्रिपेयर करने का मौका ही नहीं मिला। तो मेरे पास अभी रेन गियर्स भी नहीं है। मैं होप करता हूँ कि जैगुआर कि रेन ना हो तो अच्छा है, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, वहाँ भीग जाऊँगा पूरा। और डेस्टिनेशन तो आज की बहुत अच्छी है, वन ऑफ द घाट्स इन महाराष्ट्र। तो आप देख लो आपका कौन सी जगह पे जा रहे हो, हम कौन सी जगह पे जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी जगह है, आप ब्लॉग में बने रहिए। तो अभी थोड़े आगे जाके मैं बता ही दूंगा। तो अभी हमको मिलना है बाकी के ग्रुप से और एज ऑलवेज आई डोंट नो एनीवन, फर्स्ट टाइम मिलने वाला उन लोग से, यू नो ऑनलाइन फ्रेंड्स। सो गाइस हेलो अगेन। और अभी तक तो हमारे ग्रुप से मिला नहीं, बट आई वांटेड टू से समथिंग और वी ऑल गाइस राइड फ्रॉम दिस हाईवे। तो ये हाईवे से राइड कर रहे हो तो थोड़ा संभाल के क्योंकि बारिश की वजह से इतने खड्डे हो गए ना यहाँ बड़े बड़े, और ट्रैफिक की वजह से ना कुछ लोग रॉन्ग वे से आ जा रहे हैं, ये देखो ऐसे, तो बहुत रिस्की हो जा रहा है। तो ट्राई टू बी स्लो एंड केयरफुल। सो गुड मॉर्निंग, अब भी सही में गुड मॉर्निंग हुए क्योंकि अभी हो गया है उजाला यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट हम अभी विराट टोल पहुँचने वाले, पता नहीं यार इन लोग कहाँ मिल रहे, कहाँ इतना दूर बुला लिया है। आई होप फिर से पीछे ना जाना पड़े, बहुत मारूंगा इनको मैं। तो वेदर तो आप देख ही रहे हो क्या ब्यूटीफुल है राइड करने के लिए, ना बारिश है ना धूप, कुछ भी नहीं। अभी धूप तो इतना जल्दी आएगी नहीं, स्टिल बहुत अच्छा वेदर है, कूल वेदर, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है आराम से। और दिस इज माई फ्रेंड, शी इज ऑल्सो यूट्यूबर, और पैशन देख रहे हो लड़की का, स्कूटी पे राइड कर रही है। चेक आउट आवर चैनल टू शेयर ऑन चेरी। पैशन होना चाहिए यार, गाड़ी मैटर नहीं करती, मैंने बहुत बार बोला है मेरे ब्लॉग में। आज क्या हो रहा है, जिस जो भी राइडर देख रहा हो ना कोई अपने कोई ना कोई गर्लफ्रेंड के साथ ही है। सिंगल राइडर तो मुझे दिख ही नहीं रहा आज, कोई ना मैं ही हूँ अकेले। ओके तो जो भी दिख रहा है अपने गर्लफ्रेंड के साथ या फिर जो भी हो वाइफ हो जो भी हो उनके साथ ही है यार, मौसम भी वैसा है। और हम देखो सिंगल लोग, पीछे कोई नहीं है, अकेले घूम रहे हैं। सो गाइस वेलकम बैक, अभी हो गई राइड चालू, सब लोग आ गए और ये हम यहाँ से आई डोंट नो द रोड, बट आई एम श्योर ये बहुत प्यारा रोड होने वाला है क्योंकि हम गांव के अंदर अंदर से जा रहे हैं। मैंने और जिस हिसाब से मैंने सोचा था उस हिसाब से ज़्यादा लोग आए, बहुत ज़्यादा ही लोग आए, ऑलमोस्ट 10 to 12 बाइक्स हैं, सम आर विथ पिलियंस, सो ज़्यादा लोग तो है। और सबसे पहली बार मिल रहा हूँ मैं एज ऑलवेज, इसको ना भी चिल राइड, तो चिल मोड में जाएंगे। और आप व्यू देखो,
बारिश में राइड करने का यही मजा है, हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी दिखती है बस। हेलो डॉगी, तो देख रहे हो आप ग्रीनरी। और मैं कहाँ जा रहा हूँ बता दूँ क्या? से जा रहे हैं हम मालसेज घाट। यार बहुत ब्यूटीफुल है, लास्ट टाइम मैं गया था बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो वही जा रहे हैं। व्लॉग में बने रहिए, आपको व्यू का मज़ा देंगे, यही काम है हमारा, मज़ा तो आता है घूमने में। और मुझे थोड़ा एयर प्रेशर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मालसेज जा रहे हैं और कॉर्नरिंग ना करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। व्यू देख रहे हो, व्यू मैन बहुत अच्छा लग रहा है यार। रोड फक, लुक एट दैट, सामने देखो यार क्या ही कर आ रहा है पेड़ों का यार से। सो गुड मैन, सो गुड। यस सर, आई सॉ यू। रोड एकदम मिरर जैसा लग रहा है, इतना क्या बोलते हैं, छोड़ो, आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, इतना मैं एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, समझ रहे हो? तो कितना ही मुझे मज़ा आता रहेगा। और ये ऑफ रोडिंग पकड़ ली हमने, ऑफ रोडिंग राइड में सब इंक्लूड होना चाहिए, अच्छे रोड्स, ऑफ रोडिंग। चलो चलो, तभी राइड का मज़ा आता है। ओ फक, ये क्या हो रहा है भैंच, आई एम नॉट डूइंग अगेन, अभी गिर जाता मैं। राइडिंग शूज बहुत स्लिपरी है यार, मेरे फुटपैक से स्लिप हो गए, ग्रिप होके भी। यार क्या ब्यूटीफुल रूट है यार, अच्छा वो हाईवे से नहीं गए हम लोग, तो ये नज़ारे मिस हो जाते हैं। क्या ही रोड थोड़े हैं बट ठीक है, चलो ये नज़ारों के लिए कुछ भी नहीं चलता है। सो गाइस, मैंने कैमरा ऑन किया क्योंकि ये आपको दिखाना था, मतलब मैं शांति रहूँगा, बस आप वीडियो देखना और फील करना कि कितना सुकून है यहाँ पे। और जस्ट वॉच कितना सुकून है यहाँ पे, शांति। And why you guys should have come here? और आपने फील किया हो जो मैं अभी फील कर रहा हूँ, तो देखो मौजू में जो मैं फील कर रहा हूँ आप फील कर पा रहे हो, तो एक लाइक तो बनता है वीडियो को। क्या बात है, मतलब मुझे कैमरा बंद करने का मन ही नहीं कर रहा है, तो लग रहा है सब कुछ रिकॉर्ड कर दूँ। तो यार कैसे बंद करके देखो, आप भी देखो जरा, देखो आप हेलो। तो ऑलमोस्ट अभी पहुंचने वाले हैं, ऑलमोस्ट तो मतलब थोड़ा दूर ही है अभी तक, बट बीच में थोड़ी बारिश मिल गई थी तो मैंने गोप्रो निकाल दिया था, और थोड़ा रास्ता भी ख़राब ही था। और अभी देखो क्या ही रोड है, थोड़ा पीछे अभी ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए रुके थे, चाय वगैरह पिया, फिर डायरेक्ट अभी यहाँ से सीधा मालसेज, एक घंटा है गैस, हाँ एक घंटा यहाँ से।
तो चलो थोड़ा भगाते हैं, अभी बहुत स्लो चला लिया कब से। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है यार, बाकी कुछ नहीं, मुझे गोप्रो का डर लग रहा है। आई होप बंद हो जाए जल्दी, तो मुझे गोप्रो निकाल के रखना पड़ेगा, तो फिर शूट भी नहीं कर पाऊँगा। और यार घाट शूट नहीं किया तो फिर इतना आके क्या ही मतलब। आई होप जल्दी बंद हो जाए बारिश। तो गाइस स्टॉप किया, तो मेरी गाड़ी है और यहाँ पे रुका हूँ क्योंकि मेरे साथ जो है वो बहुत पीछे रह गए, तो उनके लिए रुका हूँ। तो सोचा आपको ये भी दिखा दूँ, सामने का व्यू पूरा, वहाँ पे माउंटेन पे फॉग ही फॉग है, देखो क्या ही व्यू आ रहा है। मैंने गोप्रो निकाल दिया अभी क्योंकि बारिश हो रही थी, तो निकाल के रख दिया मैंने अंदर क्योंकि वाटर प्रूफ नहीं किया अभी तक गोप्रो को। और बाकी आप व्यू चेक करो। और ये रही मेरी गाड़ी, पूरी गंदी हो गई है, अभी तो मैं अकेला हूँ फिलहाल, बाकी सब आ रहे हैं पीछे। तो सोचा थोड़ा फोन से लॉक कर लेता हूँ क्योंकि गोप्रो तो मैंने निकाल के रख दिया। और आगे आप फॉग चेक करो, हमें देख रहे हो पूरा फॉग फॉग उधर है, सामने एक छोटा वाटरफॉल भी है। अभी नीचे चलते हैं क्योंकि सारे दोस्त नीचे रुके, तो आपको गोप्रो के सेटअप पे मिलता हूँ, क्योंकि अभी गोप्रो भी लगा लिया मैंने, तो मिलता हूँ आपको। चलो सामने आप व्यू देखो, और ये भाई मज़े करते हुए जा रहे एकदम। और जो मेरे साथ है पता नहीं नीचे रुक गए, मैं आगे आगे आ गया हूँ जो जोश में, देखते हैं नीचे कहाँ रुके, ज़्यादा नीचे ना हो तो फिर से ऊपर आना पड़ेगा मुझे यार। यहाँ तो नहीं है, हाँ इधर ही ऊपर। कैसे गए बे? इधर ये What the fuck did you guys get up? अच्छा इधर से क्या, यहाँ से गाड़ी ऊपर डाली है। अच्छा स्पॉट है, फोटो शूट चल रहा है सबका। तो अभी जा रहा हूँ घर पे, घर के लिए निकल चुके हैं, और फिलहाल तो मैं आगे आ गया थोड़ा, तो रुका हूँ उनके लिए, बाकी देखते हैं कितना टाइम लगेगा जाने को घर पे। और आप भी इंजॉय करो यहाँ पे, कितना भी इंजॉय कर लो कम ही है। बाकी मिलते नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।